केंद्र सरकार द्वारा लागू की गई अग्निपथ योजना के विरोध में कांग्रेस देश भर में विधानसभा स्तर सत्याग्रह कर रही है। शिमला में शिमला शहरी कांग्रेस कमेटी शेरे पंजाब पर सत्याग्रह पर बैठकर योजना को वापस लेने की मांग कर रही है। इस दौरान शिमला शहरी कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष जितेंद्र चौधरी ने कहा कि अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के आह्वान पर कांग्रेस युवा विरोधी योजना के खिलाफ सत्याग्रह कर रही है। उन्होंने कहा कि यह योजना युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ है, यह योजना देश की एकता और अखंडता के साथ भी खिलवाड़ है। यह सरकार सेना में शॉर्ट सर्विस से रिटायर होने वालों को ही रोजगार देने में असमर्थ है, तो इन्हें रोजगार कैसे दिया जा सकता है। उन्होंने कहा कि यह सरकार युवाओं को मुंगेरी लाल के सपने दिखा रही है, कांग्रेस इसका विरोध करती है। ठीक है, आह्वान पे आज जितनी भी कंस्टिट्यूएंसियां हिंदुस्तान की, हिमाचल प्रदेश की, सभी जगह जितने भी ब्लॉक हैं, कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता जो ये भारत सरकार की नई स्कीम आई है अग्निपथ, उसके विरोध पे आज सत्याग्रह पे बैठे हैं। क्योंकि जो 4 साल के लिए युवाओं को सेना में भर्ती किया जा रहा है, कांग्रेस पार्टी इसका विरोध करती है। और ये जो स्कीम है, जो 4 साल के लिए युवा देश की सेवा के लिए जाएंगे और 4 साल बाद जब वो वापिस आएंगे तो जो उनका भविष्य है वो अंधकारमय है और देश की एकता और अखंडता के साथ खिलवाड़ है। कांग्रेस पार्टी इसका विरोध करती है और सरकार से मांग करती है कि जो ये योजना है इसे तुरंत प्रभाव से वापस लिया जाए। पिछले 2 वर्षों से कोविड काल के दौरान सेना में 60 से 70 हज़ार सैनिक जो हैं वो रिटायर होते हैं हर साल। पिछले 2 सालों से सेना में कोई भर्ती नहीं हुई। अराउंड 1.5 लाख युवा जो सेना में भर्ती होना था वो भर्ती नहीं हो पाया। इससे पहले भी हमारा शॉर्ट सर्विस कमीशन है जो चलता है सेना में, लोग सेना में एज अफसर जाते हैं थोड़े समय के लिए सेवा के लिए, उनको ही नौकरी ये सरकार जब वो शॉर्ट सर्विस कमीशन से वापस आते हैं उनको नौकरी देने में असफल है। तो आने वाले समय में जो ये बात कर रहे हैं, जब लाखों युवक जो है हर साल सेवा दे के वापिस आएगा, उसे कैसे ये सरकार जो है एडजस्ट करेगी। करोड़ों युवा जो है आज की डेट में बेरोजगार हो रहा है। इस सरकार ने तो जब सत्ता में आई थी तब भी कहा था कि हम 2 करोड़ युवाओं को हर वर्ष नौकरी देंगे, तो वो मुंगेरी लाल के हसीन सपने जो हैं वो आज तक पूरी नहीं हुए। और जो इन्होंने आज तक जितने भी वादे किए हैं वो कोई भी पूरे नहीं हुए हैं। तो ये जनता के साथ, युवाओं के साथ मजाक है, देश की एकता और अखंडता के साथ खिलवाड़ है। कांग्रेस पार्टी इसका विरोध करती है और मांग करती है इसे वापस लिया जाए। उज्जवल हिमाचल के लिए शिमला से ब्यूरो रिपोर्ट। हिमाचल प्रदेश के विश्वसनीय ज्वेलर भूषण ज्वेलर्स।